बताना चाहता हूँ, तुम्हारे ही प्रधानमंत्री की बात बताना चाहता हूँ कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश। तुमने इस देश को खत्म कर दिया। आज हमसे वफादारी के सबूत मांगोगे? आज हमसे सबूत मांगोगे कि हम देशभक्त हैं या नहीं है? तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाना चाहता हूँ कि ये वंदन की भूमि अभिनंदन की भूमि है, यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, और हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए और मरेंगे तो इसी भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तुमसे मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम शिनाख्त करोगे मेरी, मेरे कपड़ों से पहचान करोगे, मेरे कपड़ों से कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मोदी जी शिनाख्त करिए, शिनाख्त करिए ओम भूर्भुवः स्वः, शिनाख्त करिए मेरी, शिनाख्त करिए ला इलाहा इल्लल्लाह, शिनाख्त करिए मेरी, शिनाख्त करिए एक ओंकार सतनाम, शिनाख्त करिए मेरी, आवर फादर इन हेवन हैलोड बी योर नेम। मेरी शिनाख्त नहीं कर सकते, मेरी शिनाख्त नहीं कर सकते। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं भगवान राम की धरती भी हूँ, मैं भगवान राम की धरती भी हूँ, मैं उसके साथ साथ बहादुर शाह जफर की धरती भी हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मेरी शिनाख्त नहीं कर सकते। मेरी एक पहचान है, मेरी पहचान मेरा संविधान है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये सीएए और एनआरसी का मुद्दा इकोनॉमी से भटकाने के लिए है, ये सीएए एनआरसी का मुद्दा सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों का ध्यान इकोनॉमी से हट जाए और इस फालतू के मुद्दे पर लग जाए।